धैर्य पूर्वक ध्यान कृपया बनाए रखें। कीप ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रीदिंग। अंदर आते विश्वास और बाहर जाते विश्वास पर ध्यान लगातार। Meditation, sometimes with music, sometimes without music. ध्यान लगा मन को शून्य करना ध्यान है। म्यूजिक इज ए टूल बट नॉट ए कंपल्सरी और एसेंशियल टूल। हम टूल पर निर्भर भी ना हो इस बात की भी सजगता चाहिए। Thank you.
होश सांसों के प्रति, अपने आप के प्रति लगातार।
ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रीदिंग, सांसों को अपने पेट में या चेस्ट में या नासिका में महसूस करते हैं।
ध्यान के प्रति होश, मैं ध्यान में हूं।
शक्ति बनती है। ऊर्जा को महसूस करें। आनापानसति ध्यान और काया उपासना ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं लास्ट 1 मिनट। अपने स्पाइनल कॉलम को फील करें। हमारे सुषुम्ना नाड़ी में 7 ऊर्जा केंद्र हैं। फील इट एज मच एज यू कैन। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। चक्रों को महसूस करते हुए भीतर एक भाव, मेरे सभी चक्र संतुलित हैं या संतुलित हो रहे हैं। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा, पूरी तरह होश से भर जाएं अपनी आज्ञा चक्र में। सहस्त्रार क्राउन, मेरे सभी चक्र संतुलित और जागृत हो रहे हैं। My all energy centers are getting balanced and activated. जिससे मैं highest level of life, सर्विस वाली लाइफ जी सको। धरती पर हमारा जीवन का
एक मुख्य उद्देश्य होता है इस धरती पर जीवन को इम्प्रूव करने का माध्यम बनना, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। यह क्वालिटी सहस्त्रार से अधिक जुड़ी है। जितना सहस्त्रार हमारा जागृत होगा, हम महसूस कर पाएंगे इस सच्चाई को। अगर हम लोअर चक्रास में रहें तो सिर्फ हमें मेरा, मैं और मेरा समझ में आता है। जितना हम हायर चक्रा में, खासकर सहस्त्रार में रहें, हम सबके हो जाते हैं और सब हमारे हो जाते हैं। अपने ईष्ट को, अपने फेवरेट मास्टर को, चाहे वो योगानंद हो या कृष्ण भगवान हो, याद करें और एक प्रार्थना एक मिनट की, मेरे भीतर सहस्त्रार जागृत हो और सर्विस का भाव आए, मेरा जीवन सेवा को समर्पित हो। सर्विस एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप इसके लिए डेडिकेट हो जाते हैं तो अननोन डिवाइन फोर्सेस आपके साथ काम करने लग जाती हैं। एन नंबर ऑफ मिरेकल्स आर पॉसिबल इफ डिवाइन पावर्स आर विद यू। इस धरती पर उसी का जन्म धन्य है जिसने इस सेवा के महत्व को समझ लिया और जीने लग गया। ध्यान से धीरे बाहर आएंगे, अपने दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों पर रखें। अपने चेहरे को प्यार से सहलाते हुए एक मुस्कान, दिव्य मुस्कान के साथ धीरे धीरे बाहर आना है। टेक योर टाइम, नो हरी। अगर आपको आंख बंद करना करके बैठना अच्छा लग रहा है तो 2-4 मिनट और 5 मिनट और आप आंख बंद करके बैठे रह सकते हैं। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके टू बी इन साइलेंट जोन लिटिल बिट आफ्टर मेडिटेशन। ध्यान से बाहर आपका स्वागत है चिंतन मनन के लिए। मॉर्निंग मेडिटेशन में हम पहले ध्यान और फिर बाद में चिंतन मनन में चलते हैं। धरती पर हमारा जन्म क्यों होता है, हम किस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को प्री बर्थ सोल प्लानिंग, सोल जर्नी, सोल लेसन को थोड़ा थोड़ा हम समझ रहे हैं। योर सोल्स गिफ्ट रॉबर्ट स्वार्ट्ज की बुक का पहला चैप्टर हीलिंग, और उस हीलिंग के अंदर आज सेक्शन है सर्विस, सर्विस टू अदर्स। देखिए, जब भी सर्विस की का शब्द आएगा, फिर सर्विस तो दूसरे की ही होती है। अपने लिए तो सेल्फ लव होता है। जो हम अपने लिए सेल्फ लव बोल रहे हैं, जब ये दूसरों के लिए हो जाए तो वो लव है, अनकंडीशनल लव है। और अनकंडीशनल लव का ही तो लव और अनकंडीशनल लव भी जनरली
जो सामाजिक धारणा है वो किसी एक व्यक्ति पर्सन ओरिएंटेड होती है। जब ये ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड हो जाए, लव फॉर ऑल, तब वही सर्विस है। इनफैक्ट ह्यूमैनिटी पे धरती पर हर एक इंसान के जन्म लेने का जो एक रीजन है वो है सेवा का माध्यम बनना। देखिए, सेवा बेसिकली क्यों चाहिए, क्योंकि जो हायर वर्ल्ड्स हैं, जो उच्च लोक हैं, कारण लोक, दे आर मच बेटर इन द टर्म ऑफ पीस, ब्लिस एंड एवरी अदर थिंग। सूक्ष्म लोक में भी जीवन है, वहां भी शहर है, वहां भी लाइफ का मैकेनिज्म है। हाँ, वहां पर कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, यहां पर कॉन्ट्रास्ट है। तो यहां पे कुछ कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। तो सूक्ष्म लोक के अनुसार भूलोक को, धरती लोक को बनना है, बनते जाना है स्टेप बाय स्टेप। इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट सो इजी। धरती पर पिछले पांच लाख सालों से मानव जीवन है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे हैं। पिछले 20-30 सालों में धरती पर स्पिरिचुअलिटी बहुत चेंज आए, आर्टिफिशियल चेंजेस। तो जो चेंज आते हैं उसके लिए कोई तो माध्यम बनता है। हम सभी को माध्यम बनना है देर और सवेर। सर्विस इज द हाईएस्ट वे ऑफ लिविंग। तो बहुत सारे लाइफ का डिजाइन हम सर्विस के लिए करते हैं, वो बात रॉबर्ट सॉर्ट यहां पे कह रहे हैं। जो कर्मा की हमारी लाइफ में बैलेंसिंग होती है, जब हम किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उस समय हमारे भीतर दुख चले, क्वेश्चन चले, फिर तो वो निगेटिव कर्मा, रॉबर्ट सॉर्ट सिर्फ कर्मा का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम कर्मा को और दूसरे ऑथर की नजर में देखें तब निगेटिव कर्मा और पॉजिटिव कर्मा ऐसे दो अलग अलग नोशन आते हैं। निगेटिव कर्मा जहां पे हम सफरिंग से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं और फिर उसको बैलेंस करना, प्रॉपर वे में रॉबर्ट की लैंग्वेज में कहें लेट गो करना। बैलेंसिंग इज द होल एस्पेक्ट, इज द ग्रैंड एस्पेक्ट ऑफ कर्मा रिलेटेड टू वन टॉपिक, वन थीम। तो निगेटिव कर्मा एंड पॉजिटिव कर्मा, निगेटिव कर्मा में हम सफरिंग से गुजर रहे हैं और फिर सफरिंग को हम एक्सेप्ट करते हैं, जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं और फिर वो लिटगो होता है। पॉजिटिव कर्मा भी है, जो भी हम कर रहे हैं अगर उसमें हमारा कर्ता भाव जुड़ रहा है कि मैं आई मेड डूअर हूं, मेरे कारण ये काम हो रहा है, तो वो पॉजिटिव कर्मा जुड़ता है। पॉजिटिव कर्मा भी बैलेंस होना पड़ता है। कर्मा के बियॉन्ड जाना है फिर तो अपने आप को कर्ता नहीं समझना, डिवाइन का माध्यम समझना। डिवाइन पावर जो है वो किसी ना किसी तरह तो धरती पर जो चीज होना है वो होगी ही, करेंगी ही, बस हम अगर माध्यम बन जाए तो हमारा विकास हो जाता है। जो इंडिविजुअल सोल है, तीन लेयर इसमें बताते हैं, जो पहले और दूसरे लिटरेचर में भी आता है, धरती पर जन्म लेना, सोल और स्प्रिट। तो स्प्रिट लेवल पे इंडिविजुअलाइजेशन नहीं है, सोल लेवल पे इंडिविजुअलाइजेशन है। अलग अलग सोल है और पर्सनालिटी लेवल तो एक ही सोल का अलग अलग जन्म में जो रूप है वो पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी ग्रो कर रही है, सोल ग्रो कर रहा है, स्प्रिट भी इनरिच हो रहा है, लेकिन वो वहां पर इंडिविजुअलाइजेशन नहीं है। तो वहां पर हम वननेस स्प्रिट के लेवल पे है। तो सर्विस जो है सोल लेवल पर या पर्सनालिटी लेवल पर, स्प्रिट लेवल पे तो वह तो जीने का तरीका ही है, माध्यम ही है। अगर हम स्प्रिट लेवल तक पहुंच जाते हैं, जो निर्विकल्प समाधि से होता है, तो हम सर्विस को सर्विस की तरह भी नहीं देखेंगे। दिस इज द वे ऑफ लाइफ।
सर्विस के अलावा और जीवन में कुछ है ही नहीं। इनलाइटनमेंट हो गया, सोल लेवल पे आ गए, फिर तो जो मैं और मेरा है वो काफी कम हो जाता है, फिजिकल लेवल का मैं और मेरा नहीं रहता। एग्जिस्टेंस हैपन रहता है, आई एम एग्जिस्टिंग, स्पिरिट लेवल पे वो भी नहीं रहता। स्पिरिट लेवल पे बस इस सृष्टि का एग्जिस्टेंस है। तो इसमें, इस केस में दो एग्जांपल, अल्कोहलिज्म और रेप, ये बहुत रेयर बुक है जिसमें रेप जैसे इशू को, के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करने का किया गया है। सोसाइटी में रेप इतना ज्यादा इमोशनल एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत जगह पे हम ऐसा करते हैं कि हम बस ऊपर ऊपर मीठा मीठा बोलते हैं, जिस इशू में भी कुछ ऐसा बात आने लगे तो हम उसको इग्नोर करना पसंद करते हैं। किसी चीज को इग्नोर करने से हम उसके एस्पेक्ट्स को नहीं समझ सकते, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। इस सेक्शन में बस एग्जांपल दिया कि अल्कोहलिज्म का जो, अगर किसी भी इश्यूज में अगर सफरिंग और कंप्लेन नहीं है तो वो देयर हाई प्रोबेबिलिटी इट इज सर्विस। कर्मा नहीं रहते हुए भी दूसरे सीखे, दूसरों के सीखने का माध्यम बनी, इसलिए वो रोल लेना, दूसरों को सिखा सके, दूसरों के लिए हम रोल मॉडल भी बनते हैं जब उस अनुभव से गुजरते हैं और उस अनुभव को कैसे डील करना ये सीखते हैं। सर्विस बहुत विशाल कंसेप्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, इस सर्विस पे ही लंबे लंबे डिस्कशन है, कंसेप्ट है, बुक है कि हम समझ सके सर्विस करने के अलग अलग ढंग क्या होते हैं। अगर कभी कोई पर्सन उदास है, अगर हम उसको स्माइल भी देते हैं तो भी वो सर्विस है। हम अपने लाइफ में सेल्फिश हो सकते हैं कि अरे उसका काम है, वो जाने, मुझे क्या करना, तो ये सेल्फिशनेस से ऊपर उठना, सर्विस के एटीट्यूड में जाना। सर्विस सिर्फ डोनेशन और मनी से होती है, ये बहुत ही प्रिमिटिव कंसेप्ट है। सर्विस के कई सारे आयाम हैं हमारे लाइफ का, थ्री जितना भी एस्पेक्ट है सभी से सर्विस किया जा सकता है। टाइम से सर्विस हो सकती है, नॉलेज से सर्विस हो सकती है, जो रॉबर्ट की बुक में सर्विस का जिक्र है वो लाइफ को एक्सपीरियंस करने और उसके सेंस में है कि हमेशा हर जगह पे कर्मा नहीं है, मतलब हर जगह पे नेगेटिव कर्मा नहीं है जिसको लेट गो करने की जरूरत है, जिसको बैलेंसिंग करने की जरूरत है। एडवांस सोल, ब्रायन वाइस के लिटरेचर में ऐसा आता है, डॉक्टर ब्रायन वाइस के लिटरेचर को भी पढ़ना है, रॉबर्ट स्वार्ट्स से पहले ब्रायन वाइस को पढ़ लें तो बहुत सारी बातें आसान हो जाएंगी। जिन लोगों को अगर रॉबर्ट स्वार्ट्स अगर मुश्किल लग रहा हो कि इसमें बहुत डीप बातें हैं, तो आप रॉबर्ट स्वार्ट्स, आप ब्रायन वाइस को पहले पढ़ लें। और दुनिया में ब्रायन वाइस ही ज़्यादा पॉपुलर है, बस अगर आप इन जनरल आप स्पिरिचुअलिटी देखेंगे, स्पिरिचुअल सर्कल में, तो ब्रायन वाइस इज मोर पॉपुलर, रॉबर्ट उतने पॉपुलर नहीं है। तो ब्रायन वाइस की बुक में ऐसा आता है कि जो छोटे बच्चे लोग, जब कर्मा की बात आती है तो बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि छोटे बच्चे, 1 साल 2 साल 4 साल के बच्चे को जब बीमारी होती है तो वहां उसने, बच्चे ने क्या कर्म किया है जो उसके लाइफ में ऐसा हो रहा है। देखिए, तो कल हमने जो कर्मा देखा था, कर्मा सिर्फ
वो नहीं है कि जो हमने किया उसको भोगना, कर्म से भोगना नहीं है। कर्म इज द बैलेंसिंग ऑफ अनएक्सप्लोर्ड एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं उस एक्सपीरियंसेस को लेना। तो ब्रायन वाइस की बुक में ये बहुत क्लियर कट मेंशन है कि जो छोटे बच्चे इस तरह से कर्मा को लेते हैं तो बेसिकली वो उनके कर्मा नहीं होते, वो पेरेंट्स के कर्मा अपने बॉडी पर लेकर बैलेंस करते हैं। मतलब पेरेंट्स जब सफरिंग से गुजर रहे हैं, जब बच्चा बीमार होता है तो पेरेंट्स की सफरिंग ज्यादा होती है, इमोशनल सफरिंग एंड डिफरेंट सफरिंग, तो उनका धैर्य विकसित होता है। तो इस तरह के सोल एडवांस सोल है जो अपनी बॉडी पर कर्मा ले रहे हैं या सर्विस के माध्यम बन रहे हैं। तो विदाउट निगेटिव कार्मिक डेप्ट हुए हुए भी उस तरह के अनुभव से हम गुजर सकते हैं। कर्मा इसलिए सिर्फ सिंपल नहीं रह जाता, कर्म को ना रहते हुए भी उस अनुभव से गुजरना, ये सर्विस। तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारे निगेटिव कार्मिक डेप्ट है, कर्मों का कर्जा है या सर्विस है? जहां पर कोई किसी बीमारी से गुजर रहा हो, रामकृष्ण परमहंस को कर्म को कैंसर था लेकिन उनके जीवन में दुख नहीं था। अगर आप बीमार लोगों में भी नोटिस करें, वैसे तो ज्यादातर हॉस्पिटल में जब तक मैं काम करता रहा, ज्यादातर लोग की लाइफ में तो मैं सफरिंग ही देखा, लेकिन एक बार मुझे एक पेशेंट का याद है कि उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। ओल्ड एज की लेडी, रॉबर्ट स्वार्ट्स को तब तक मैंने नहीं पढ़ा था, यही लगता था कि कोई भी कर्मा से हम गुजर रहे हैं, कोई भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो वो सिर्फ निगेटिव कर्मों का बैलेंसिंग है, कार्मिक कर्जों का चुकाना है। लेकिन एडवांस सोल, उच्च कोटि का सोल, वो दूसरों के लिए रोल मॉडल ही बन सकते हैं, उनके चेहरे पर सफरिंग नहीं रहेगी। मतलब लोग परिवार परेशान रहेगा लेकिन वो परेशान नहीं रहेंगे, वो साइलेंटली उसको बियर आउट करेंगे। जहां पे साइलेंट जा रहा हो रहा हो, साइलेंट की जगह कहीं कहीं पर जॉयफुल भी रह सकता है कि शरीर के तल पे बीमारी है तो क्या, अपनी मस्ती में रहना, हम सिर्फ शरीर नहीं है। तो हम कर्मों को चेंज भी कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गए तो। सेम सिचुएशन, एक ऑथर है रिचार्ड बैट, उनका एक बहुत अच्छा खूबसूरत कोटेशन है कि एनीथिंग, एनी ट्रेजेडी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्लेसिंग। लेकिन वही बात है कि उसके लिए आपको समझ कितनी है। आप जब भी किसी कार्मिक एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस से, स्टार्ट टेकिंग इट एज ए मोड ऑफ सर्विस, धैर्य बढ़ाने के साथ साथ इसके माध्यम से ह्यूमैनिटी में क्या किया जा सकता है, हाउ आई कैन इंस्पायर और हेल्प अदर्स। अगर उस एक्सपीरियंसेस को एज ए टूल हम ले लें तो एक ही लाइफ टाइम में चेंज किया जा सकता है। वैसे देखिए, मैं कई सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर रहा हूँ, रॉबर्ट श्वार्ट्ज की सिर्फ बातों को नहीं बता रहा हूँ। रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने जो कर्म और सर्विस की बात की है, सर्विस अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कई सारे स्पिरिचुअल ऑथर्स ने, मास्टर ने इस पर बोला हुआ है। इवन ऐसा भी आता है कि सर्विस इज इरेस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल रियालिटी, आप कितना दूसरों के लिए सोचते हो। ट्रॉकम सार्डारियन ने कहा सैक्रिफाइस, खुद भूखे रहते हुए भी क्या आप दूसरे को खिला पाते हो? आपके घर में कोई आ गया मांगने के लिए बगैर, और आप खाने जा रहे थे और वो बोला मैं कई दिनों से भूखा हूं, फिर आपने अपने खाने की नहीं सोची, जो मांगने वाला आया है उसको खिलाने की पहले सोची, देन दैट इज सर्विस।
वहां पर सैक्रिफाइस भी आ गया कि आप भूखे रह गए लेकिन दूसरों को खिला दिया। देखिए जब पूरे एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा हो फिर तो लगता है कि आसान ही है, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में अलग अलग ढंग से जब ये आता है इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, हम उसको निभा पाए उसके लिए बहुत होश चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। अगर वो अवेयरनेस हम कल्टीवेट कर लेते हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत एक्सेलरेट किया जा सकता है। सर्विस इज ए ग्रेट मीडियम, साधना से ज्यादा ना सेवा से प्रोग्रेस होती है। साधना से, मेडिटेशन के प्रैक्टिस से हम आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब आगे एक बार आगे बढ़ना शुरू हो गए तो हम कितने स्पीड से आगे बढ़े ये निर्भर करती है सर्विस पे। और जब सर्विस के मोड में हम आ गए, जब हमारे भीतर हेल्प करने का एटीट्यूड आ गया, तो द वे हम दूसरों की हेल्प करते हैं, क्वालिटी ऑफ हेल्पिंग, हेल्पफुलनेस। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर्विस हमें वो ढंग से करना चाहिए जो हमारे सोल का धर्म है, जो आपके सोल का यूनिकनेस है, जो जब हम अपने यूनिक सोल वाइब्रेशन से जब सर्विस कर रहे हैं तो हर एक सोल यूनिक है। कृष्ण अगर बांसुरी बजाएंगे तो वही बांसुरी नहीं बजाएंगे जो पत्नी जी बजा रहे हैं, दोनों में फर्क रहेगा। जो अभी कुछ नहीं समझ रहे उनको तो सेम ही लगेगा। अगले संडे को 11 बजे वाले सेशन में पत्नी जी आएंगे स्पिरिचुअल डॉक्टर पे, जहां पे हमको सिमिलरिटी दिखे वहां पे भी अलग चीजें हो सकती है। मतलब ठीक है, कॉमन थीम है, मेडिटेशन बहुत लोग सिखाते रहे हैं, लेकिन क्या बुद्धा का मेडिटेशन और पति जी का मेडिटेशन सेम रहेगा? नहीं। अगर हम अपने सोल के यूनिकनेस को समझने लग गए हैं, सोल धर्म को समझने लग गए हैं, तो नयापन आएगा। सर्विस इज मच मच मैग्निफिसेंट कंसेप्ट, जितना हम इसे समझते जाएंगे डूबते जाएंगे। रॉबर्ट सॉर्ज ने बस एक पेज में यहां पर निकाल दिया, दैट्स फाइन, ठीक है, बहुत ऑलरेडी बहुत मोटी किताब हो गई है, लेकिन सर्विस पे, फुल सर्विस टॉपिक पे थियोसोफिकल सोसाइटी में डेडिकेटेड बुक है, हाउ वी कैन बी मीडियम ऑफ सर्विस। इनफैक्ट थियोसॉफी में ये ऐसा प्रेयर भी बताया जाता है। एक सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी हुए, उनकी भी एक ऐसी प्रेयर है कि भगवान मैं कैसे तुम्हारे शांति का माध्यम बन जाऊं, जहां पर दुख है वहां पे मैं कॉन्सोलेशन ला सकूं, जहां पे सफरिंग है वहां पे मैं ब्लेसिंग ला सकूं, कैसे मैं माध्यम बन जाऊं। स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना में एक बार आ गए फिर यही चिंतन करना चाहिए कि हाउ आई कैन बी मीडियम ऑफ सर्विस। हाउ, एक बार सर्विस में आ गए, बहुत सारे लोग हेल्पिंग मोड पे आ गए, फिर चिंतन करना चाहिए हाउ आई कैन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस। जितना सर्विस में आएंगे, जितना क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअल जर्नी विल बी मच इजियर, बेटर। तो इतना कहते हुए आई एंड द शेयरिंग पार्ट ओवर फ्रॉम माई साइड। If you have any question, shoot it, or we will go for affirmation of today. Dipti ji, book reading के लिए भी कोई तैयार है क्या? नहीं हुआ कल बुक रीडिंग, नहीं हुआ कल भी, नहीं हुआ परसों भी, नहीं हुआ। दीप्ति शुक्ला इज हियर और नॉट?
तो बोलू बोलिए बोलिए। तो आप कहते हो डिटैचमेंट हो के लाइक जो हमारे सबसे क्लोज आपकी आवाज नहीं आ रही है। चैट में लिखिए, आवाज नहीं आ रही तो। नहीं सुनते तो कल तो मैंने पता नहीं क्या है 2-3 दिन से मुझे खुद बेहोशी मतलब थी बिजी थी काम वाम में नहीं स्वयं के पास रह सकी। कल तो पिटाई कर दी दोनों की मैंने। अब उसका गिल्ट तो आ ही रहा है बट वही लगा कि कितना हम कैसे आगे बढ़ेंगे इनसे कैसे डिटैच होंगे। आपको और पहले से तो बोल रहे हैं लेकिन आप रेसिस्ट कर रहे हैं सर्विस एस्पेक्ट को। यू आर रेसिस्टिंग दैट मुझे कर्म के बंधन नहीं बनाने। सर्विस को माध्यम बन के करें तो कर्म के बंधन थोड़े ना बनते हैं। अगर आप अपने आप को कर्ता समझें तो कर्म के बंधन है। अगर आप अपने आप को माध्यम समझें तो कर्म के बंधन नहीं है। कह रहे हो सर विशाली पहले भी हमारे आप इस मामले पर पर्सनल में तो बात हो रखी है। यू आर रेसिस्टिंग द नोशन ऑफ सर्विस कि हम सर्विस क्यों करें, हमें सिर्फ साधना करनी चाहिए। दिस इज नॉट द वे फॉर ए गुड स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, साधना ही करनी है तो साधना करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। टेक योर टाइम। व्हाई यू आर गेटिंग कंसर्न कि हाँ मेरा ये मेडिटेशन नहीं हो रहा, मेरा ये भटक जाता है, मेरा ये छूट जाता है। जो भी हो रहा है सो स्वीकार करें। आप मुझ तक आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं और फिर सर्विस की बात आ रही है, आप उसको लाइटली ले रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नहीं सर्विस की मैं बच्चों की बात कर हाँ तो रही हूँ बच्चों सर। की आप सिर्फ एक वही ना कि हम फिर छोटे लेवल पे चले जाते हैं। बिल्कुल ना जब बराबर ठीक है। हेलो, हाँ जी कुछ दूसरा बस वो कल थोड़ा सा वो सुन नहीं रहे थे मतलब रोज सुनते नहीं है तो वो कैसे आप कहते हो ना कि डिटैच होके एक दो बारी समझाओ नहीं तो छोड़ दो तो छोड़ा नहीं जाता है। ऐसे कैसे मतलब क्या उसका और क्या सोल्यूशन है। वो चिंता कहीं ना कहीं बींग अ मदर आ जाती है डू कि अरे सर्विस। सर्विस करें। ठीक है सर्विस में जाने से हमारे कई तरह के कर्म के बंधन यूं ही निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और वो डिसॉल्व हो जाते हैं। उसमें एक फैक्टर है, एक रीजन है कि डिवाइन पावर, डिवाइन मास्टर्स हमसे जुड़ जाते हैं जब हम सर्विस के लेवल पे आ जाएं। तो आपकी जर्नी को इजियर बिट बना दिया जाता है। आप अगर मास्टर्स का काम कर रहे हैं तो मास्टर्स आपके थोड़े बहुत काम कर देते हैं, लेकिन जब हम मांगते हैं, हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते हैं, क्या मैं डिटैचमेंट कैसे लाऊं, तो फिर आप अपने लेवल पर स्ट्रगल करते रहिए। अगर हम सर्विस से जुड़ जाते हैं तो स्ट्रगल कम हो जाता है। विनोद जी, आप अफर्मेशन में विल ला रहे हैं, विल नहीं होता, अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। आई एम गिविंग सर्विस ओके सर। और अदर भी हटा दीजिए। देर इज नो अदर और देर इज नो माइंड ऑन द लेवल ऑफ सर्विस, ऑन द लेवल ऑफ वननेस। सर्विस इज वेरी क्लोज टू वननेस। अद्वैत का अनुभव हो जाए तो सिर्फ
24/7 100% लाइफ जो है सर्विस के लिए ही होता है, लेकिन जब तक वननेस का एक्सपीरियंस नहीं है तब तक हम उसको दूसरों के केयर के रूप में करते हैं, सोचते हैं। ओके सर, आई एम लिविंग लाइफ ऑफ सर्विस, ये आज का अफर्मेशन होगा। आई एम लिविंग लाइफ ऑफ सर्विस, तो जब लाइफ है तो ये 24/7 की बात हो जाएगी। तो अफर्मेशन, आई एम लिविंग लाइफ ऑफ सर्विस, I am living life of service. जब आई एम लिविंग लाइफ पढ़ेंगे बात समझ में आएगी। हम बहुत बार, बहुत सारे लोग जजमेंट के मोड में जाते हैं जब हम किसी को देखते हैं, सफरिंग करते हैं पर्सन को, किसी गरीब आदमी को, कोई जब स्ट्रगल कर रहा है किसी लेवल पे, तो आ जाते हैं भाव कि वो तो उस पर्सन का कर्मा है। ठीक है, दूसरे पर्सन को जज करना हमारा काम नहीं है, किसका क्या कर्मा है या नहीं है ये हमें नहीं बोलना चाहिए। जब तक आप, अगर है भी तो बोलने से क्या होगा, समझने के लिए ठीक है जब डिस्कशन की बात है, तो कभी किसी का कर्मा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कंपैशन से, प्यार से, धैर्य से उसके सफरिंग से बाहर आने का तरीका बताना चाहिए, चाहे कर्मा का मेंशन हो या ना हो, जब कोई सफरिंग से गुजर रहा हो तो। और बहुत बार ऐसे मिलेंगे जो सफरिंग नहीं है, वो सर्विस के लिए उस अनुभव से गुजर रहा है, दूसरों को बता सके। जैसे इसमें अल्कोहलिज्म और रेप दो सेक्शन में उसने मेंशन किया रॉबर्ट ने। अल्कोहल सेक्शन पढ़ेंगे योर सोर्स प्लान में ना, तो जिन लोगों को लगता होगा कि अल्कोहल सिर्फ गलत है वो जरूर पढ़े अल्कोहल वाला चैप्टर। वो सर्विस के लिए उस बंदे ने वो लिया था कि जो उसको देखे, जो उसको फील करे, उसके भीतर कंपैशन डेवलप हो। जब हम किसी को सफरिंग को करते हुए देखते हैं तो आता है ना कि जो थोड़े अच्छे सोल होते हैं इसका लाइफ थोड़ा ठीक हो, इसकी प्रॉब्लम कम हो। तो जब ये जब दूसरों के प्रॉब्लम कम होने का भाव आ रहा है, सर्विस शुरू हो गई, अब उसमें आप कितना एक्टिवली, कितना सीरियसली, कितना डेडिकेटली आप करते हैं, अकॉर्डिंगली सर्विस बढ़ती जाएगी। तो हमें किसी के कर्मा को कर्मा बोलकर नहीं बोलना चाहिए। जब तक आपसे पूछा नहीं जाए तब तक बोलना ही नहीं चाहिए। हमें अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ के ग्रोथ के प्रति कंसर्न होना चाहिए। और सर्विस करें तो साइलेंटली करें, बस करें। जितना हम वोकल होते हैं उतना उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो सर्विस इज ए बिग बिग कंसेप्ट, इस पे बहुत डेडिकेशन और डिस्कशन चाहिए। बहुत लोगों को कई सारी गलत धारणाएं बनी हुई है।
चलिए कभी और भी करेंगे, ये टॉपिक फिर से आएगा सर्विस वाला। अभी निर्मल जी तैयार हैं बुक रीडिंग के लिए, तो बुक रीडिंग इज आल्सो ए गुड एसेंशियल पार्ट। मुझे सुन सुन के कितना सीखेंगे, अगर आपने पढ़ना सीख गए। अब अश्विनी जी अलाउ कर रही हैं, बहुत लंबा सीरीज चला गया है ये कभी भी बंद हो जाएगा। तो अगर आपने के भीतर पढ़ने की आदत डेवलप हो गई तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। सोल्स गिफ्ट अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको धरती पर हर एक आत्मा का समझ में आ जाएगा। तो निर्मल जी को हम सुनेंगे और जो भी सुन रहे हैं अपने भीतर ये भाव लाएं कि हाँ मुझे पढ़ना है। आप एक ही पेज पढ़िए ना, पढ़िए तो सही। टाइम हमारे पास नहीं होता, ये एक बहाना है। मैं एक मेरा एक फेवरेट लाइन है, हम 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 व्यस्त नहीं होते, हम अस्त व्यस्त होते। जो भी ऐसा बोले कि ना मैं बहुत बिजी हूँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत बिजी हूँ, आपका माइंड बिजी है, आप बिजी नहीं है। आपको फ्री करना है ये समझिए, कल से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दीजिए, आप फ्री हो जाएंगे। या टाइम सिर्फ एक घंटे के लिए, से एक घंटे के लिए खोलना है, समय बहुत बचने लग जाएगा। चलिए हम बुक रीडिंग निर्मल जी शुरू करें। अच्छा, शैल आई स्टार्ट सर? आई एम ऑडिबल सर? या यू आर ऑडिबल। ओके डॉक्टर साहब, कल मेरे थॉट में ना ये बात चल रही थी कि यूनिवर्स में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अभी तक हमें जानने हैं, हमें बहुत कुछ पता करना है। बहुत सारे सीक्रेट हैं निर्मल। हाँ, सर्विस से मोड पे आ जाएंगे ना। हाँ, ऐसा भी सीक्रेट हमको मिल सकता है जो धरती पर अभी तक किताबों के रूप में आया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात हुई ना आज सुबह, फिर मेरी 2 बजे नींद खुल गई। हाँ। तो मैंने तो पत्र सर के जो ग्रुप है ना वो उसमें मेडिटेशन करनी शुरू कर दी। और मेरे से ना फिर मैंने सोचा मैं आज तो मेडिटेशन नहीं करूंगी, लेकिन फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बुक रीडिंग करी। इतना आपने डॉक्टर साहब वो शराब पिला दी बुक रीडिंग की, ओहो इतना नशा, माय गॉड। और थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बुक रीडिंग तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन अब आप आजकल बात ही कुछ और है। अच्छा, इस बुक में ना यही फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही प्यारी बात मेरे को मिली, मोती समझो ये हीरा समझो, जो मैंने नीचे डूब कर गोते खाकर निकाला, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। When you ask why, when you say to yourself why, why this happened to me, why only me, why me? When you ask why, Robert Schwartz says, when you ask why, it happened, why it happened with me, a vortex of energy is formed. आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, vortex बन जाता है, यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हो। There lies the healing, वहां से हीलिंग शुरू हो जाती है। But don't be obsessed about why, इस बात पे अटक मत जाओ, दुख में मत आओ, विक्टिम में मत आओ। Greatest healing lies in, greatest healing is magnetized that time. जब ये सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है और इट इज मैग्नेटाइज्ड, यूनिवर्स मैग्नेट की तरह बन जाता है, खींच लेता है। तो इस क्वेश्चन को, व्हाई इट हैपेंड विद मी, इस क्वेश्चन को आप जैसे हम वो गैस वाला गुब्बारा भरते हैं ना और उसको आसमान पर छोड़ देते हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आसमान में छोड़ दो। रिलीज अ क्वेश्चन इन द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ ए बैलून, इट विल find its destination, my god. मेरे तो goosebumps आने शुरू हो जाते हैं। मेरे को तो जब इतने और मोती मिलते हैं कि हम वो बैलून जब छोड़ते हैं तो वो यूनिवर्स में पहुंचता है, वो अपने आप पता है। यूनिवर्स एंड बैलून बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, यूनिवर्स अपनी तरफ खींचता है और बैलून अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है।
तो lack of memory makes the life on earth more real. Lack of memory. अब एक और बात कह रहे हैं कि हम जब प्लान करते हैं लाइफ को आने से पहले और हम जब पैदा होते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं. इसका मतलब वी lack द मेमरी. lack ऑफ मेमरी मेक्स लाइफ ऑन अर्थ मोर रियल. अगर हमें सारी बातें पुरानी याद रह जाएं तो हम तो अपनी लाइफ किताब के जो पन्ने हैं वो ही पढ़ते रहेंगे. हमारा एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ बिकम्स मोर इंटेंस, ज्यादा गहरा हो जाता है. हम ज्यादा सीरियसली बातों को एक्सपीरियंस करते हैं, कंट्रास्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. अगर हमें पुराना जन्म पुराने जन्म याद रहे तो हमारी लर्निंग ही कमजोर हो जाएगी, हम लर्न ही नहीं कर पाएंगे. और अगर हमारे सारी बातें याद रहती हैं अरे अमरीबल जी आपने अपने आप पर हाँ इट इज गोइंग टू बी एन ओपन बुक टेस्ट. ठीक है ना, अगर हमें पुरानी बातें याद रहती हैं. लर्निंग वो होती है ना व्हेन वी नो दैट नो बुक्स आर अवेलेबल, नो मटेरियल विल बी सप्लाइड इन द एग्जामिनेशन हॉल. Then the learning will be more intense. हम तो ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे कि जब हमें पता होता है कि हमें वहां पर कोई ओपन बुक नहीं मिलनी और किताबें तो वहां पर टच करने को नहीं मिली, कोई पर्ची नहीं मिलनी, कुछ नहीं होना, तो हमारी लर्निंग जो है अर्थ पर ज्यादा इंटेंस होती है. यू स्टार्ट सरेंडरिंग टू द गॉड, तब हम सरेंडर करते हैं. जब तुम ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो इट मींस यू आर फुलफिलिंग योर लाइफ प्लान. रॉबर्ट श्वार्ज ने ये निशानी बताई है कि जब आप ऐसे सोचना शुरू करते हो तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि आप अपनी लाइफ प्लान Even though you are not conscious or aware, हमें पुराने जन्म में हमने क्या किया वो तो हमें मालूम नहीं, याद नहीं, भूल गए, फिर भी आपकी प्लान, you are going according to your plan. Who in our body is the raising vibration? अब ये भी बात, ये मोती भी मेरे को मिला कि हमारी शरीर में कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी vibrations को बढ़ाती है. And that is the love in our body, love in our mind, love in our thoughts, that raises our vibrations. But if we are victim, if we become in the victim mode or any old belief pattern, then our vibrations will be low. So victim mode mein nahi aana aur apne aap ko samajhna ke main love hu, maine love ko vibrate karna hai, love ko mehsoos karna hai, love ko dusron ko mehsoos karwana hai. Victim belief will make us limited. Hamari soch ko limited kar deta hai, hamare actions ko limited kar deta hai. Lekin jab hum love ki vibrations mein rehte hain then we become unlimited, infinite. We expect sympathy from others. Jab hum limited ho jate hain तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारी वाइब्रेशन, समझ लो उस वक्त कि हमारी वाइब्रेशन कम हो गई. उसके उलट अगर हम लव में रहते हैं वी मेक आवरसेल्फ्स इनफिनिट. व्हाट वी प्लान्ड, जो हमने सोचा था, नाउ वी आर लिविंग दैट. जो हमने जन्म आने से पहले जो बातें चूज करी थी तो अब उनको हम जीना शुरू करते हैं. इस लाइफ में हम वो बातें जी रहे हैं, हमारे साथ हो रही हैं. तो स्टॉप ब्लेमिंग, छोड़ दो ये बातें, ब्लेम करना, जजमेंट करना, विक्टिम मोड में आना, मेरे साथ ही क्यों. ऑल अनहील्ड पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ विल कॉज इन आवर लाइफ
और जितनी भी उस वक्त हम जब हम विक्टिम मोड से निकल जाते हैं, लव में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। जो भी हमने अनलर्न बातें छोड़ दी थी तो वो हील होनी शुरू हो जाती हैं, जो भी ब्लॉक्स हमारी लाइफ में वो रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। इस लाइफ की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू द कॉस्मिक कैलेंडर। कॉस्मिक कैलेंडर इज वेरी वाइड, बहुत उसमें तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, हमें मालूम ही नहीं तो कितने सीक्रेट्स भरे पड़े हैं। तो हमारी लाइफ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो चाहे नॉन फिजिकल लेवल पे हो, हर रास्ते में ब्लॉक्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी कोई भी रास्ता अपना लो तो रुकावटें तो आएंगी ही, पेनफुल होंगी, तकलीफ होगी, दिल दुखेगा, उदास होएगा, आप रोगे, ये ब्लॉक्स तो आएंगे ही, तो इनको रिजिस्ट नहीं करना, डोंट रिजिस्ट। थिंक हाउ वी हैव कम टू हील दोज प्रॉब्लम्स, हमने उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना, ना कि उनमें फंस कर अपने आप को विक्टिम मोड में लाना। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया निर्मल जी, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। ये योर सोर्स प्लान का चैप्टर से रॉन्ग है क्या? हां जी, हां जी, ये चैप्टर 1 है या चैप्टर 2 है योर सोर्स प्लान का? नहीं नहीं, ये 1 में ही था। व्हाई, व्हेन यू आस्क व्हाई, क्वेश्चन व्हाई, इसे चैप्टर 1 में ही है ये। अब सब बहुत प्यारा, बहुत इतनी सीक्रेट्स भरे पड़े हैं ना, इतना दिल, आई मीन हार्ट एक्सपैंड्स लाइक एनीथिंग, इतनी खुशी होती है। अच्छा, मेरा, मैं इस अंधेरे से निकल के अब रोशनी में आ गया, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। पर वाय से तो क्या विक्टिम मोड में नहीं आएंगे क्योंकि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, मतलब अगर वाय में आप सोच रहे हो तो इस वो बलून छोड़ दो, मतलब आपकी, आप यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, ये आपकी ग्रोथ खानी, आपकी ग्रोथ की निशानी है कि आप जब ऐसे पूछना शुरू कर दो कि व्हाई इट हैपेंड विद मी, ये यूनिवर्स आपको जवाब देगा इसका। विशाली, आप जो बोल रही हैं व्हाई पूछने से कहीं माइंड विक्टिम मोड में नहीं जाएगा? जा सकता है अगर हम सिर्फ क्वेश्चन पूछें और उसके बाद सवाल जवाब का इंतजार ना करें। बहुत सारे आप लाइफ में लोग मिलेंगे जो अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं मेरे पास, मैं ध्यान सिखा रहा हूँ, आप करता रहता हूँ, बस अपनी प्रॉब्लम ही कहते रहेंगे। वो प्रॉब्लम जब समझ में आ गई बात, जब उनको सॉल्यूशन बनाने की बात है, वो उस चीज को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते बहुत बार। तो अगर सिर्फ वही करते रहे, मेरे साथ ये कष्ट क्यों हो रहा है, मेरा बेटा क्यों मर गया, क्यों क्यों भगवान ऐसा अन्याय करता है, बस ऐसा बोलते रहना और बस उसी में कंप्लेनिंग मोड में रहना। लेकिन व्हाई पूछने के बाद जब हम आंसर जानने के लिए साइलेंट होकर सुनेंगे तो हमको ये कर्मा, ये सोल का पर्पस, सोल की जर्नी, लर्निंग, ये समझ में आने लग जाएगा। तो वाई पूछना एक स्टेज है, लेकिन सिर्फ वाई पे रुकना ही, वाई पूछ कर ही रुक जाना नहीं है ना। हमें जानना है, शून्य में उतरना है, शून्य में उतरेंगे मेडिटेशन में, हमें ये सब बातें खुद में खुद पता चल सकती हैं। रॉबर्ट स्वार्ट ने जो भी बातें बताई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक पढ़ने से ही आएगा, अपने आप भी मेडिटेशन में कभी आपको डेजावू हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। बुक से आसान हो जाता है मामला, थ्योरी किसी ने बता रखी है तो ये हेल्पफुल है। थैंक यू सर। सब पहले सोल प्लान पढ़नी चाहिए, सोल गिफ्ट पढ़नी चाहिए? दोनों ही कनेक्टेड है, कोई भी पढ़ सकते हैं। हेल्थ मैटर से ज्यादा कंसर्न है तो सोल्स प्लान पढ़िए, जैसे निर्मल जी के लिए तो सोल्स प्लान ही ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, इसमें ना बड़ी सारी बातें हैं, मैच करती हैं, दोनों बुक्स में कई बातें रिपीट करी हुई हैं। दोनों थीम दोनों में एक ही है। हाँ, सोल्स प्लान पहले आई है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा बेसिक है,
सोर्स गिफ्ट भी मतलब बहुत ज्यादा अलग नहीं होता, लेकिन जन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स योर सोर्स गिफ्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए गए। हाँ, चैनल और मीडियम दोनों में सेम डिस्क्राइब किया हुआ है। कोई भी बुक उठा सकते हैं जो आपको ठीक लगे, जो आपको मिल जाए, जो आपके सामने आ जाए, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ये बुक से पढ़नी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार कोई टॉपिक होता है, सारी बुक को ढूंढो ना कौन सा चैप्टर पढ़ना, वो चैप्टर अपने आप ही आपको खींचने लग जाएगा। हमारे स्पिरिट गाइड्स हमको मदद करते हैं, जितना हम सिंसियर हो ना, हमारे स्पिरिट गाइड हमको उतना हेल्प करते हैं। बिल्कुल, अपनी सिंसियरिटी बढ़ानी है तो हमारी लाइफ में हेल्प बढ़ जाएगी। हमें अपनी लाइफ में सर्विस बढ़ाना है, स्पिरिट गाइड आउट ऑफ वे जाकर हमें हेल्प करेंगे। यहाँ पे ना मैं एक बहुत एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ जो मैंने अपने नाना जी से सुना। सेशन ओवर ही हो गया है, जिनको जाना हो वो जा सकते हैं। ये कहानी जो है ये एक सच्ची कहानी है, मतलब जब जब हम ऊपर से सुने, और स्पिरिचुअलिटी में जो लोग नहीं आए हों उनको ये लगेगा कि ये सब बस कहानी की बातें। पहले कहानी बोलने से पहले मैं बता रहा हूँ, ये एक ट्रू स्टोरी है जो मेरे नाना जी जिस गुरु परंपरा में है, मतलब थे, नाना जी हैं लेकिन अभी उन्होंने आध्यात्मिक परंपरा चेंज की है। तो बिहार में, मैं बिहार का हूँ, बिहार में लखीसराय मुंगेर में हमारा गांव है, था, अब तो गांव छूट गया। तो नाना जी जिस धार्मिक परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा में जिस गुरु शिष्य के साथ जुड़े हुए ध्यान कर रहे थे, उसी गुरु परंपरा में किसी किन्हीं के साथ ये बीती हुई घटना है कि एक साधक हैं जो साधना करते हैं, और वो साधे पेशे से ट्रेन के ड्राइवर भी हैं, वो ट्रेन चलाते हैं, रेलगाड़ी, और ये बात बहुत पुरानी है। तो वो मालगाड़ी चलाते हैं, और जो लोग थोड़े रेलवे सिस्टम से फैमिलियर होंगे, अगर कभी कहीं पर किसी चीज को अगर रेलवे में अगर स्लो करना हो, नहीं कुछ है, तो मालगाड़ी को ही लोग के रोकेंगे, क्योंकि उसमें पैसेंजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत कम आएगी, थोड़ा सामान ही देर से पहुंचेगा ना। तो कभी कभी मालगाड़ी को कहीं 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 पर हॉल्ट किया जाता है, जरूरत पड़ने पर, ट्रैफिक जैसा हो, कभी कोई टेक्निकल खराबी होती है। तो कहीं पर ऐसा हुआ कि वो ट्रेन, वो किसी स्टेशन पे जो लोग रेलवे से सफर किए होंगे, हमेशा सिर्फ बड़े बड़े शहर नहीं आते, बीच में छोटे छोटे गांव और बहुत छोटा स्टेशन भी आता है। तो कहीं कहीं किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई थी, और ट्रेन का लंबा समय हो रहा था, तो फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें साधना कर ली जाए। वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे कहीं पर थोड़े शांत जगह पे अपना आसन बिछाकर अपना वो मेडिटेशन में लग गए, और ऐसा हुआ कि मेडिटेशन जो लोग अच्छे से करने लग गए होंगे, जब अच्छा मेडिटेशन होता है तो कभी कभी बहुत हम गहरी अवस्था में चले जाते हैं, समय का पता नहीं चलता। शुरुआत में मेडिटेशन मुश्किल लगता है, जब तक ध्यान नहीं लग रहा हो, आधे घंटे एक घंटे मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार लगने लग जाए, आप 1 आवर का बॉर्डर क्रॉस कर जाए, फिर 2 घंटा हो या 4 घंटा हो, मुश्किल नहीं है, आपके पास कितना समय है, आप उतना बैठो उस माइंडसेट से, वो हो जाता है। नहीं भी बैठो तो भी अपने आप घंटों घंटों निकल जाते हैं, मेरा अनुभव तो रहा है। दिन और रात का पता नहीं चलता, घंटों घंटे क्या, सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी, जब आउट ऑफ बॉडी हो चुके हो, देयर इज नो लिमिट, फिजिकल पैरामीटर चढ़ते ही नहीं। तो वो अपना ध्यान करने बैठे, ध्यान करते हुए वो चले गए, उनको कई घंटों के बाद होश आया। ध्यान से जब बाहर आए तो फिर उनको आया कि अरे मैं तो यहाँ पे ट्रेन लेकर आया था, वो ट्रेन है नहीं यहाँ पर। ही वॉज थोड़े से, देखिए ध्यान की तंद्रा में हो तो कुछ नहीं है, लेकिन जब ध्यान की तंद्रा से जब बाहर आए तो अपने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, अरे मेरी ट्रेन कहाँ गई, वही ड्राइवर थे। तो वो स्टेशन मास्टर के पास गए, स्टेशन मास्टर जो था वो इतने घंटे बीत गए थे कि स्टेशन मास्टर की ड्यूटी बदल चुकी थी।
दूसरा स्टेशन मास्टर बोला कि वो